हेलो गाइस, आज हम कच्चा आम मैंगो बाइट कैंडी से आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हम ये सारी कैंडी को छील कर निकाल लेंगे। मैंने सारी कैंडी को निकाल लिया है। अब हम ये आम छिपा लेंगे और इसमें इनको सबको कूट लेंगे। इस तरह से हम अपनी सारी कैंडी को फोड़ लेंगे, इनका चूरा बना लेंगे। मैंने सारी कैंडी का चूरा बना लिया है। इसका चूरा बनाने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे। अब हम इसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा और मिक्स कर देंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे और 1 कटोरी पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम पानी में पूरी तरह से घोल लेंगे। पानी में कैंडी और चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसको गिलास में डाल लेंगे। मैंने इनको गिलास और कप में डाल लिया है। अब इसके ऊपर ये फॉइल पेपर लगा देंगे। मैंने इन पर ये फॉइल पेपर लगा दिया है। अब इसको फ्रीजर में रख देंगे 5 घंटे के लिए। 5 घंटे बाद देखिए कितनी अच्छी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको निकाल लेंगे इसमें से। मैंने अपनी आइसक्रीम को निकाल लिया है। देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।